गंगा और गंडक ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग अपने घर, खेत और मवेशी छोड़कर पलायन होने पर मजबूर हो गए थे। 16 सितंबर तक दियारा क्षेत्र में बाढ़ जैसी कोई बात भी नहीं थी, लेकिन 17 सितंबर को देर रात अचानक गंगा और गंडक में जलस्तर बढ़ने लगा और दियारा क्षेत्र में बाढ़ जैसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग जब सुबह उठे तो सड़क पर पानी बह रहा था, लोगों के घर में पानी प्रवेश कर रहा था। तभी लोग अपने घर को छोड़कर शहर और ऊंचे स्थान पर जाने लगे थे। स्थानीय प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन गंगा और गंडक के सामने सभी मोर्चा फेल नजर आया। किसान के खेत में बैंगन, भिंडी, गोभी और अन्य फसल जो लगा था वह अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। किसानों का कहना है कि करीब 50 एकड़ से अधिक की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। हम लोग कर्ज लेकर खेती करते हैं, लेकिन अब जो स्थिति है हम लोग पैसा कहाँ से देंगे। जिससे कर्ज लिए हैं वह मानने वाला भी नहीं है। अब किसान पूरी तरीके से परेशान नज़र आ रहा है। वहीं सरकार की ओर से दियारा क्षेत्र में अभी कोई ऐसा पहल नहीं किया गया है जिससे किसानों को मदद पहुँचाया जाए। सभी लोग अब मायूस नजर आ रहे हैं। रोड समुचा नुकसान हो गया है, पलानी के नजदीक गड्ढा खाई हो गया है, भर छाती है, आने जाने में दिक्कत है, गड़मुड़िया उलट जाता है इसमें आदमी, यही सब तो बात है। फसल भी नुकसान, फसल तो बिल्कुल यहाँ का चौपट है, बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद है, एक इंच नहीं बचा हुआ। चल के खेत में देखा जाए, खेत में हम घुमा करके बता देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक चारों पट्टी एकदम, जितना किसान था यहाँ के समझिए कि मर रहा है भूखे, लेकिन कोई आदमी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब बाढ़ आया था यहाँ पे पानी था, उस समय आप लोग कहाँ रहे? यही भर चौकी पानी में, चौकी पर ठाड़ा होकर समय काटते थे हम लोग, काटे हैं अभी भी। चलिए घूमने के लिए हम दिखाते हैं कितना फसल यहाँ से आगे तक चौपट बर्बाद हो गया, रोड भी खत्म है। यहाँ तो बहुत सामान नुकसान हुआ, रो रहे थे, अब घर द्वार छोड़ करके इधर उधर जाए तो है लोग शरण लिए हुए था। आ यही स्थिति होता है दो साल चार साल पर, वही स्थिति इस साल भी हुआ। यहाँ लोग ज्यादातर किराना खेती करता है लोकल में, बैगन है, कदुआ है, नेनुआ है, यही सब का खेती होता है। आ सब कोई अपना मेहनत करके जल्द से जल्द लगा दिया था कि ताकि जल्द से जल्द हम उपजाएं या कुछ आमदनी हो, खाने पीने रहने का खर्चा निकले। सब कोई के खेत में लगा हुआ था, भिंडी लगा हुआ था, देखे दहा हुआ है अभी सब नष्ट हो गया। और सब खेत में बैगन के बीज लोग गिरा करके पोस करके रखे हुए था, सब गाड़ दिया और सब दह गया, कुछ नहीं बचा। वही फसल नुकसान हो गया, भिंडी बैगन यही सब लगाए हुए थे, फूल हो गया था, उसमें पत्तियां वत्तियां गिरने वाला था, सब बर्बाद हो गया, क्षति हो गया। माल जाल भूखे मर रहा है, गौ चारा नहीं है, दह गया सारा भूसा उसा भस गया, अनाज उनाज दो चार पैकेट था वो भी भस गया, सब खत्म हो गया। हम लोग रोड पर भस गए लेकर खड़ा है, कोई आता नहीं है यहाँ, प्रतिनिधि मुखिया सरपंच कोई नहीं है। और आप लोग का मेन पेशा खेती ही है? खेती से जिंदगी जीते हैं हम लोग, कर्ज पैसा नहीं रहता है तो आपसे उनसे लेकर भी खेती में लगा लेते हैं। पानी कम से कम यहाँ पे कम से कम एक हफ्ता से ऊपर पानी रहा, ठीक है, जिसमें देखिए कि सब बैगन खत्म हो गया किसान लोग का, हम लोग बैगन बोए थे, बैगन खत्म हो गया, भिंडी बोया हुआ था, देखिए सब भिंडी खत्म हो गया। और इस पे सरकार का कोई नहीं लाभ नहीं मिला हम लोगों को, अपना जैसे भी हो अपना बाढ़ से जूझे, अपना फसल तो हम लोग का बर्बाद हो ही गया। और देखिए आप कुछ लाभ नहीं मिला हम लोग के सरकार के तरफ से अपना, तो उसी से आप लोग का घर परिवार चलता है। जी हाँ, हम लोग किसान आदमी है, दूसरा यहाँ पे क्या व्यवस्था है, खेती है। बाढ़ आया, पानी में सब बह गया, चला गया, गंगा मैया आती है हर साल, अब कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से हम लोग को प्रॉफिट मिलना चाहिए। हम लोग किसान आदमी है, कोई सर्विस तो करते नहीं है कि हमारे पास सरकारी जॉब है।